कि जब भी किसान कोई भी मतलब अपना खेत तैयार करता है तो वो ऐसी मेड़ जरूर बनाता है अपने किसान खेत के चारों तरफ, एक दीवार, मिट्टी की दीवार। मेड़ क्या होता है? मिट्टी की दीवार वो जरूर बनाता है। वो इसीलिए बनाता है जिससे कि जो वो पानी देता है वो उसी क्यारी के अंदर रहे। अभी जैसे धान की खेती करते हैं जब, तो वो क्यारी को पूरा पानी से भर देता है। अगर मेड़ ना हो तो पानी बह जाएगा और बीज सूख जाएगा। तो पानी को रोकने के लिए किसान मेड़ बनाते हैं। और इस मेड़ को बनाने से भी क्या होता है, ऊंची मेड़ बनाने से भी मृदा अपरदन रुकता है। कि जब पानी रुक गया तो मिट्टी भी रुक जाएगी, अगर मिट्टी रुक गई तो मृदा अपरदन नहीं हुई। दूसरा है, तीसरा पॉइंट, ऊंची ऊंची मेड़ बनाने से मृदा अपरदन रुकता है। अब मृदा अपरदन की एक और वजह थी नदियों में बाढ़ आ जाना। जहां जब किसी, आपने बिहार का नाम सुना, बिहार में अक्सर देखते हैं हम लोग बाढ़ आ जाती है सारे गांव। हाँ, जब ज्यादा बारिश होती है तो पूरे गांव, पूरे शहर, पूरे खेत पानी में डूब जाते हैं। तो जब वो पूरे खेत पानी में डूब जाते हैं तो क्या होता है, फसल तो बेकार हुई लेकिन जो 15 सेंटीमीटर वाली परत वो बहकर चली गई, सड़कों पर आ गई, कोई सड़क पे आ गई, कोई समुद्र में चली गई, कोई कहीं चली गई, है ना, कोई कहीं पे चली गई। मतलब खेत तो बिल्कुल बेकार, खेत उसको फिर से बनाना पड़ेगा, फिर से उसको तैयार करना पड़ेगा। तो उस बाढ़ के पानी को अगर हम रोक लें तो कुछ हो सकता है? क्या हो सकता है? हाँ देखो, जैसे नदी है, जैसे ये कोई नदी है, ये है एक नदी, ठीक है, और यहाँ पर खूब सारा पानी है। अब बारिश हो गई, नदी का पानी बढ़ गया, नदी का पानी बढ़ गया। अब नदी के किनारे गांव बसा है, हैं? अब ये पानी को जगह नहीं मिली, यहाँ तक इसकी मतलब बाउंड्री थी पानी के रोकने की। अब वो पानी को छलांग लगाई पानी ने इधर से और पूरा गांव के अंदर चला, खेतों में भी चला गया, गांव में भी चला गया, झोपड़ सब मतलब झोपड़ी में हर जगह पानी पानी चला। तो अगर हम लोग यहाँ पर एक दीवार बना दें, अगर हम लोग एक ऊंची दीवार बना दें नदी के पास, तो क्या होगा, चाहे कितना भी पानी का बहाव होगा वो पानी उस दीवार से टकराकर वापस नदी में चला जाएगा। तो ये जो दीवार होती है ना, जो हम लोग नदी के किनारे पर बनाते हैं, गांव के जहाँ से गांव शुरू होता है या जहाँ नदी का किनारा शुरू होता है, उसके एक तरफ अगर हम दीवार बना दें और उसका रास्ता रोक लें, पानी के बहने का रास्ता रोक लें, तो इसको क्या कहते हैं? सोचो सोचो, नहीं सोचो, आपने बहुत पढ़ा है इस बारे में। बांध, किसने बोला? बांध मतलब पानी को बांध रहे हैं, जैसे गांठी बांधते हैं ऐसे हम लोग पानी को बांध रहे हैं। और किससे बांध रहे हैं? दीवार, दीवार से पानी के रास्ते को रोक रहे। तो बांध बनाकर, क्या बनाकर? बांध बनाकर नदियों की बाढ़ को रोका जा सकता है। अब समझ में आया कि क्यों गांवों में बाढ़ आती है? क्योंकि जो नदी होती है उसमें पानी ज्यादा हो जाता है। अब जैसे हम कहें कि इस ग्लास में इतना ही पानी आ सकता है ऊपर तक, अगर पानी इससे ऊपर है नीचे ही जाएगा ना। तो जितना नदी की जगह है अगर पानी उससे ज्यादा हो गया है तो गांव में ही तो जाएगा, खेतों में ही जाएगा। तो हमें उसे रोकना है, हमें उसको रोकना है। हाँ, तो उसको या तो गहरा करें नदी को, अगर नदी गहरी नहीं हो सकती है तो हम लोग दीवार बना के उसका रास्ता रोक दें। तो हम लोग क्या करते हैं, बड़ी बड़ी नदियों पर क्या बनाए जाते हैं? बांध, पुल भी होता है पुल, लेकिन वो परिवहन के लिए होता है। जैसे गांधी का पुल बना है, गांधी सेतु, वो तो ट्रक बसेस चलने के लिए है, वो बांध नहीं है, उसको बांध मत समझना, वो ब्रिज है। जिसके कि देखो, अब हमको अगर शहर जाना हो चारबाग, तो क्या आप नदी में तैरते हुए जाओगे?
कैसे जाओगे? पुल के ऊपर से। तो पुल अलग चीज है और बांध अलग चीज है, दोनों में फर्क समझ गए ना। पुल तो रास्ता है, सड़क है जिसको कि पार करके हमें जाना है, लेकिन बांध तो बिल्कुल ऊंची दीवार होती है जिससे कि पानी को रोका जाता है। नदियों पर बांध बनाकर, क्या बनाकर? अगर पानी रुक गया तो मृदा अपरदन भी रुक गया, है ना? अगर पानी रुक गया तो मृदा अपरदन भी रुक जाएगा। बांध बनाकर पानी को रोकते हैं। अब हम आपको बताएं कि जो ये बांध बन के पानी को रोकते हैं ना, इसके भी दो फायदे हैं। एक तो अपने मृदा अपरदन बच गए, और दूसरा जैसे बारिश की सीजन खत्म हो गई, तब किसान को जब पानी चाहिए तो क्या किया जाता है, इस दीवार में जो ये दीवार बनाई गई थी इसमें नालियां खोद दी जाती हैं, थोड़ी थोड़ी नालियां निकाल दी जाती हैं, उससे पानी को छोड़ा जाता है थोड़ा थोड़ा करके, जिससे कि नदियों में नहरें बन गई और उस नहरों से किसान आराम से पानी दे देता है। और जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, भाखड़ा नांगल नाम सुना है, सतलज नाम सुना है, पंजाब की नदियां हैं ना, पांच नदियां, भाखड़ा नांगल, सतलज, हीराकुंड, दामोदर, अपने पूरे देश में इतनी बड़ी बड़ी नदियां हैं, तो इनमें खूब सारा पानी है। सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है ना, ब्रह्मपुत्र नदी है अपने भारत की सबसे बड़ी नदी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, हुगली, ये सब नदियां हैं। इन सब नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाए गए हैं और उनसे दो बातें हमारी हो रही हैं, एक तो मृदा अपरदन रुक रहा है और दूसरा हम इस बांध के पानी को, ये जैसे हमने कहा ना इसमें हमने नाली बना दी, अगर इस पानी को बहाव जोर से फेंके हम लोग, मतलब नाला जिसको कहते हैं बहाएं, तो नीचे अगर टर्बाइन लगा दें तो इससे जल विद्युत उत्पन्न की जा रही है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जो आपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी देख रहे हो, जो बिजली उत्पन्न होती है ये ऐसे उत्पन्न होती है। पहले बांध बनाया, पानी को रोका, फिर पानी को खूब तेजी से फेंका ऊपर से, जब बारिश होती है तो नाले बहते हैं आपके छत पे से, छत पे नाली होती तो खूब तेज बहने लगता है ना, ऐसे ही हम लोग अगर इसको नाला बना दें, खूब तेज पानी को फेंकें, और अगर नीचे कोई चक्री लगी हो मशीन गोल, तो वो चलने लगेगी ना। हाँ, जब पानी के जो प्रेशर होता है उससे वो गोल गोल चलने, मतलब एक टरबाइन होता है, एक पंखा होता है, टरबाइन गोल गोल घूमने लगता है। अब जब वो टरबाइन घूमने लगता है तो बिजली उत्पन्न होती है। हाँ, जो ये इलेक्ट्रिसिटी हम लोग देख रहे हैं, ये अगली क्लास में पढ़ोगे आप लोग, पर अभी केवल इतना समझ लो कि बांध बनाकर बिजली उत्पन्न भी की जाती है, जो हमारे घरों में बिजली आ रही है। तो बांध बनाने के कई फायदे हैं, केवल मृदा अपरदन ही नहीं है, इससे जल विद्युत उत्पन्न की जाती है, इससे किसानों को नहर बनाकर खेतों को पानी मिलता है, और जब बारिश का मौसम नहीं होता है तो हम उस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो पानी जब बारिश का बह गया तो आप रोक नहीं पाओगे, वो तो कहां का कहां सूख गया, जड़ें सूख गई, किसी ने सड़क में चला गया कहीं कैसे, लेकिन अगर आपके पास जमा हुआ पानी है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बांध बनाने का एक नहीं कई फायदे हैं, और हमारे भारत वर्ष में कम से कम 10-12 बांध बनाए हैं, कम नहीं है, बहुत पूरी लिस्ट है बांधों की। सबसे बड़ा है भाखड़ा नांगल, पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे पर भाखड़ा, और वहां की बिजली जो है पूरे नॉर्थ इंडिया में, पूरे उत्तरी भारत में इतना उत्पादन होता है कि उत्तरी भारत को वो सप्लाई करता है, खूब बिजली उत्पादन होता है, क्योंकि पंजाब नदियों का प्रदेश है, पंजाब मतलब पांच नदियों का प्रदेश है, वहां बहुत नदियां हैं, तो वहां की नदियों पे बांध बनाए जाते हैं। अब देखो एक बांध हम आपको चित्र में दिखा सकते हैं, दिख रहा है बांध, दिखा दीवार सफेद वाली और उसके पीछे नदी दिख रही है ना, अब इसमें छोटे छोटे नाले भी तो बह रहे हैं, दिख रहे हैं सबको, ये देखो सीढ़ी भी बनी है इधर, और ये जो देख रहे हैं यहाँ पर ये नाले लगे हुए हैं, इसमें से दरवाजे धीरे धीरे नालियां खोलेंगे तो पानी जब चाहिए तो इधर की तरफ आ जाएगा, दिखा इस तरह के बांध होते हैं ये वाले, इससे पानी को देखो, नहीं तो अगर ये बांध ना होता तो ये नीला वाला जो पानी है सारा गांव में भर जाता, नुकसान होता, इसी को कहते हैं बांध बनाना। और एक बताएं तुम्हें, मृदा अपरदन को रोकने के लिए क्या किया जाता है, जैसे आपने ये चित्र देखो
यहाँ पे डेजर्ट है ना, सैंड है, ये रेगिस्तान जिसमें ऊंट खड़ा है। यहाँ तो खूब मृदा प्रदन होता है क्योंकि यहाँ की मिट्टी ढीली होती है ना, बालू सैंड होता है ना। तो वहां पर क्या करते हैं कि आजकल इस तरह की खेती की जा रही है जिसको वायु रोधी झाड़ियां लगाई जा रही है कि ये मिट्टी को अपने आप में रोक के रखें, और रोक के रखेंगी तो ये नहीं उड़ेगा। और एक होती है जायद की फसल। जायद की फसल जानते हो क्या होता है? एक ये नई टर्म है, इसको खाली बता दें, जायद की फसल। जायद की फसल ये होता है कि आप सब लोग जानते हैं, कितने लोग खेत जा चुके हैं? जा चुके हैं। तो आजकल खेत में क्या हो रहा है? धान मतलब चावल बोए गए, चावल की बुआई हुई है ना, खूब सारा खेतों में पानी है। कब कटेगा? अक्टूबर। इतनी जल्दी कहाँ पक जाएगा एक महीने में? अक्टूबर नवंबर में कटता है धान। जब अक्टूबर नवंबर में धान कट जाएगा तो किसान उस धान को सुखाता है, तो उसका जो खेत है वो दो तीन महीने फालतू पड़ा रहता है जमीन, तो वो उन दो तीन महीनों के अंदर कुछ सब्जियां या कुछ दालों के पेड़ मतलब झाड़ी वाले जो दो महीने में फसल दे देते हैं, जैसे सोयाबीन और आजकल कई फलों के हैं, ये जो भिंडी जो सीजनल वाले जो फ्रूट्स होते हैं, ये दो तीन महीने में फसल तैयार हो जाती है। तो वो क्या करता है, उस दो तीन महीने के अंदर जब तक गेहूं का सीजन आएगा बोने का, तब तक वो ये बो देता है, आलू बो देता है जो दो महीने में तैयार हो जाए। तो उस फसल को जायद की फसल कहते हैं। इससे दो फायदे हैं, एक तो किसान को पैसा मिल गया है ना, दूसरा उसके मिट्टी पे पेड़ लगने से मृदा अपरदन रुक गया, नहीं तो फालतू पेड़ फालतू जमीन रहेगी तो उड़ उड़ के बेकार हो जाएगा। तो उसने क्या कर दिया, एक छोटी सी फसल उगा दी, लेकिन वो फसल गेहूं और चावल से अलग तरह की फसल होती है। हमारे भारत देश में दो फसलें पूरे साल के अंदर उगाई जाती हैं, एक खरीफ और एक रबी, मतलब एक गेहूं और एक धान, एक सर्दी की फसल एक गर्मी की फसल। लेकिन उन दोनों के बीच में ऐसा मौसम होता है जो ना गर्मी ना सर्दी, तो उस फसल में जायद की फसल उगाई जाती है। इससे फायदे ही फायदे हैं, किसान को भी फायदा है, जमीन को भी फायदा है, और हम लोग का भी फायदा, क्योंकि अगर हमारा देश इतना कुछ उगाएगा तो हम लोग खुश रहेंगे, हम लोग हमारा देश अमीर हो जाएगा। समझ में आ गया?